हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। आज के सेशन में हम लोग पैराबोला का जो थर्ड लेक्चर्स है उसको देख रहे हैं। पैराबोला को जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर्स था उसमें बेसिक पैराबोला जो लोकस है उसको हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। सो वहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो पैराबोला हम लोग वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यहां तक हम लोग ने किया था। तो लास्ट क्लास में हम तुमको बता रहे थे कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसका इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं। सो स्टैंडर्ड पैराबोला में, स्टैंडर्ड जो पैराबोला था उसमें हमें वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक पैराबोला हम लोग ड्राइव किए थे। देखो इसमें जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax था उसमें एक स्पेशल केस तुमको बताए थे कि जैसे कि हम इसके वर्टेक्स को ओरिजिन पर ले लिए और यहाँ से इस तरह का पैराबोला हम लोग ड्रॉ किए थे, ठीक है ना। कि मान लो कि पी कोई भी पॉइंट्स है और यहाँ पर इसका फोकस है और इसका ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो हमें एस पी और जो पी एम है इसको इक्वेट करके ये इक्वेशंस आया था, ठीक है। सो एस पी और पी एम, एस यहाँ पर फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट्स a,0 लिए थे और ये पॉइंट्स जो है वो -a,0 होगा क्योंकि वर्टेक्स जो है वो मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि P जो है वो इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट्स होता है तो P से S का डिस्टेंस, P से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हमेशा बराबर है, एस पी इज इक्वल टू पी एम, ठीक है। सो A इज वन ऑफ द पोजिशन ऑफ P, सो ए एस इज ऑल्सो इक्वल टू ए एक्स मान लो। So equation of directrix is x plus a बराबर 0, ठीक है। अब हमको इसी पैराबोला को जो है शिफ्ट करके बताए थे कि अगर इसका जो वर्टेक्स है ये जो 0, 0 है ये अगर हम x1, y1 पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये पैराबोला का इक्वेशन y-y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू x-x1 आया था। ये चीज को ध्यान में रखोगे तो तुम्हें जो भी पैराबोला होगा इस टाइप का वो इक्वेशंस हम जनरलाइज किए थे कि x बराबर आ जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका जनरल इक्वेशन है। ये जनरल इक्वेशंस का मतलब है कि ये जो पैराबोला है जिसका डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ठीक है ना। अगर तुमसे पूछ रहा हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हम इस पैराबोला का इक्वेशन इस तरह का लिखेंगे x बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और इसको बोले थे कि तुम इसको फैक्टर ये परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो ये इक्वेशंस आ गया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये इक्वेशंस आया था x प्लस डी बाय 4a और दैट इज इक्वल टू 1/a, सॉरी इसमें 1/a और दैट इज इक्वल टू वाई प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ऐसे आया था, ठीक है ना। ये इक्वेशंस में हम कन्वर्ट किए थे और फिर इसको बोले थे कि तुम्हें जो इसके साथ कंपेयर करके इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स और लैटिस रेक्टम और एक्सिस ये सब कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब आ जाओ कि अगर हम लोग इसी पैराबोला में मान लो कि जो पॉइंट्स है जो वर्टेक्स है उसको सेम रख रहे हैं और पैराबोला का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। इधर हमने ओपन किया, इसको बोलते हैं राइट ओपन पैराबोला, अब हम लेफ्ट ओपन पैराबोला किए तो वर्टेक्स जो है वो फोकस जो है वो एक्सिस पर होगा और इस पार्ट्स को बोलते हैं कैविटी, ठीक है ना। ये जो पैराबोला का ये पार्ट्स है जो अंदर वाला इसको कैविटी ऑफ द पैराबोला बोलते हैं, चूंकि ये कर्व ओपन है इसीलिए इसको कैविटी बोलेंगे और ये पार्ट को आउटसाइड ऑफ द कैविटी बोलेंगे। तो जब फोकस जो है वो हमेशा कैविटी में होगा और ऑब्वियस है कि अब ये चूंकि वाई एक्सिस है और चूंकि ये एक्स एक्सिस है इसीलिए एस का कोऑर्डिनेट्स अब -a,0 ले लेंगे। जो वर्टेक्स है वो स्टिल 0, 0 पर है तो इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो एक्स बराबर ए हो जाएगा क्योंकि ये वाला पॉइंट्स हमारा अब a,0 होगा। तो ऐसे केसेस में जब तुम इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन में चेंज क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, बस इतना ही चेंज होगा कि यहाँ पर ये चीज निगेटिव आ जाएगा, दिस निगेटिव। अब तुमको ध्यान रखना है कि y में अगर क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है और x का जो कोफिशियंट है वो अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला राइट वार्ड खुलेगा, y में क्वाड्रेटिक है
एक्स का जो कोफिशियंट है वो अगर नेगेटिव है तो पैराबोला लेफ्ट साइड में खुलेगा, वर्टेक्स अभी जीरो जीरो पर है, ठीक है ना। इसको वर्टेक्स के साथ कोरिलेट किए थे, तो इक्वेशंस जो है वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर 4a into x minus 0 इस तरह से आ जाएगा। इसमें भी vertex के साथ अगर correlate करोगे तो y minus 0 का whole square 4a into x minus 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। So इस equations को भी अगर इस vertex को हम 0 0 से shift करके x1 comma y1 पर ले जाएंगे, if vertex is shifted to x1 comma y1 तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये y minus y1 का होल स्क्वायर दैट इज 4a into x minus x1, बस इतना ही चेंज होगा, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। ये चेंजेस के साथ हम लोगों को अगर इक्वेशंस दिया हुआ हो, देख लो कि ये इसका जनरल इक्वेशन इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, सिर्फ अंतर कहां होगा कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वन प्लस सी, और कोई चेंज नहीं आएगा, ये इक्वेशन है। y में क्वाड्रेटिक है, y स्क्वायर कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो हम सोचेंगे कि पैराबोला लेफ्ट साइड में खुलेगा, अगर y स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है तो पैराबोला राइट साइड में खुलेगा, ठीक है ना। इस इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है ऐसे इक्वेशंस को, और इसके लिए हम फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और कंपेयर करेंगे इसके हिसाब से, और सब कुछ सेम है। इसका जो लैटिस रेक्टम है वो 4a ही है, इसमें जो एक्सिस है y बराबर 0 ही है, टेंजेंट एट वर्टेक्स x बराबर 0 ही है, सिर्फ चेंज किया हुआ तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चेंज हो गया। यहाँ पर x बराबर माइनस ए था, यहाँ x बराबर हम a से कंपेयर करेंगे, और जो तरीका बताए थे वो सेम है। दिस इज इक्वल टू इसका 1/4 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। यहाँ पर भी यही चीज बताए थे, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस विथ नेगेटिव साइन, यही डायरेक्ट्रिक्स होगा। सिमिलरली फॉर द फोकस x बराबर माइनस ए y बराबर 0, और इसका जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम है ना वो भी हम लोग इसी हिसाब से लिख देंगे, x बराबर माइनस ए इसमें रखो, y का वैल्यू वही है प्लस माइनस 2a, तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉमा 2a और इधर आ जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस 2a, ठीक है। अब ये चीज पर एक दो चीजें, एक दो पॉइंट्स जो है वो तुमको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, तो एक तो x का जो कोफिशियंट है ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है, इसका भी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम और इसका भी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बराबर है। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालने के लिए अगर हमको इक्वेशंस ऐसे फॉर्म किया हुआ हो तो ध्यान रखो जो फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस है, फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस a है, ठीक है, तो इसका 4 टाइम्स जो होगा वो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगा। तो याद रखना इसको, द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू वर्टेक्स जो है उसका 4 टाइम्स ही लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है। सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज द 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट एट वर्टेक्स, ठीक है ना, इसके बीच का। और अगर हम डायरेक्ट्रिक्स के साथ कोरिलेट करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो 2a है, फोकस से x का जो डिस्टेंस है जहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को मीट करता है ये डिस्टेंस 2a है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a है। तो हम ये भी बोलेंगे कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी द ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो बाय द वे कभी कभी क्या होता है ना कि फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है सिर्फ, और कहेगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तुम कैलकुलेट करो, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी द ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। इस चीज को ध्यान, ये सब प्रॉपर्टीज के तौर पर, मतलब कहीं पर हमको फंस रहा है क्वेश्चंस तो हम ये सब याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा तुमको इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं होगा, हम हो सकता है कि तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, तो ये चीज कोरिलेट करने के लिए बोल रहे हैं, फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस या फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होगा वही उसका डबल, मतलब इसका डबल या इसका 4 टाइम्स जो होगा वो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगा, राइट। दूसरी चीज देखो कि इस कर्व का और इस कर्व का लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बराबर है, तो कोई भी दो कर्व या चार कर्व, जितना भी कर्व होगा, मतलब पैराबोला, कर्व मतलब अभी पैराबोला, उसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम अगर बराबर है तो इसका मतलब दोनों कर्व इक्वल है, मतलब इक्वल पैराबोलाज का लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ही इक्वल होगा।
भले वो डिफरेंट इक्वेशंस क्यों ना हो, सो टू पैराबोलाज, टू या मोर देन टू पैराबोलाज आर इक्वल पैराबोलाज इफ देयर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आर इक्वल। बिल्कुल ये सब फार्मूला की तरह कहीं लिख लेना नोट करके, ठीक है। सो टू और मोर पैराबोलाज आर इक्वल इफ देयर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आर इक्वल, मतलब दो पैराबोलाज या दो कॉनिक्स का लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम अगर इक्वल होगा तो उस कॉनिक्स को हम इक्वल कॉनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से दो चीजें तुमको इंफॉर्मेशन मिल गया। दूसरी चीज, हम लोग y में क्वाड्रेटिक वाला टर्म्स देख लिए, उसका जनरल करके केस ये है, या ये लिखेंगे या हम xy स्क्वायर में नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो राइट साइड खुलेगा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड खुलेगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं x में क्वाड्रेटिक, तो देखो इस टर्म्स को कि अगर हमको x में क्वाड्रेटिक लेना होगा तो पैराबोला जो होगा वो अप होगा या डाउन होगा, ठीक है। अगर अप पैराबोला है तो उस केस में देखो कि अगर हम लोग इस तरह का कोई केस ले रहे हैं, सपोज करो कि ये एक्सिस सब सेम है, वर्टेक्स भी हम लोग ओरिजिन ही लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग जो फोकस है वो वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस पर फोकस ले लिए, ये 0, a मान लिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, सो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा ये वाई प्लस ए बराबर 0 होगा, चूंकि ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स 0, -a होगा, सारा चीज सेम है, मतलब ये पॉइंट्स 0, 0 हो गया जिसको वर्टेक्स बोल रहे हैं ए बोल रहे, और कोई भी पॉइंट से पी होगा तो पी से एस का डिस्टेंस और पी से एम का डिस्टेंस, एम मतलब डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग इसमें भी एस पी बराबर पी एम करेंगे तो देखो यहाँ एच कॉमा के ले लो, सो ये पॉइंट्स आ जाएगा एच, क्योंकि एस पी स्क्वायर पी एम स्क्वायर भी होगा, तो ये आ गया एच स्क्वायर प्लस के माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा के प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो ना तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए के प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए के, तो देखो कि ए स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, सो अगेन आ रहा है ये एच स्क्वायर बराबर 4ak, और h और k को x और y से रिप्लेस करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इस तरह का इक्वेशन तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग इसी इक्वेशंस में डाउनवर्ड पैराबोला, इस तरह का पैराबोला बनाएंगे तो अब जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो y बराबर a हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट्स 0, a है, इसका जो फोकस है 0, -a होगा, ये पॉइंट्स स्टिल 0, 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना, ये इसमें y एक्सिस इसका एक्सिस है पैराबोला का एक्सिस। तो इक्वेशंस जो बनेगा सिमिलर तरीके से x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, ठीक है। अब तुमको ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैराबोला के बारे में पता चल गया। अगर x में क्वाड्रेटिक है और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला अप होगा। x में क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और सारा टर्म्स देखो सेम है, अगर हम लोग इसके लैटिस रेक्टम के बारे में बात करें और इसका लैटिस रेक्टम का लेंथ बताएं तो इसके हिसाब से अभी 4a ही लेंथ है। तुम देखो कि ये जो लाइन है ना y बराबर a है, y का वैल्यू जब a इसमें पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, y का वैल्यू a, x हो जाएगा प्लस माइनस 2a, पता इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2a, a है, इधर माइनस 2a, a है, सो लेंथ जो है लैटिस रेक्टम का 2a ही है। यहाँ पर तुम देखो कि y बराबर अगर माइनस ए रखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a, -a, इधर आ जाएगा -2a, -a, सो इस लेंथ को हम लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बोलेंगे जो कि 4a ही है। मतलब ये जितना भी हम चारों पैराबोला दिखाए वो सब का लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम है, क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सब हम लोग उसी पॉइंट्स को कंसिडर किए थे 0, a या a, 0 के टर्म्स में। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या आ जाएगा, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का होगा, और इसका जो इक्वेशन होगा वो y बराबर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। सबका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर हम बारी बारी से इस इक्वेशन को दिखाएंगे कि इसमें कैसे आया, मतलब इसका अगर 0, 0 को हम शिफ्ट करके दूसरे जगह पर ले जाएंगे तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर That is equal to 4a into y minus y1. इसमें जो vertex है ना वो, इसका जो vertex है
वर्टेक्स, वो आ गया x1 y1 पर। इसको भी अगर हम लोग इस वर्टेक्स को x1 y1 पर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4a y माइनस y1 होगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसी तरह का फॉर्म आ जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो y प्लस d बाय 4a दैट इज इक्वल टू 1 बाय a, सॉरी a टाइम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। तो क्या हुआ ना, इसमें वर्टेक्स जो है वो माइनस b बाय 2a माइनस d बाय 4a है। और फिर इस सब को इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, x स्क्वायर बराबर 4ay, जैसा बताए थे सेम चीज है जो परफेक्ट स्क्वायर में है। x बराबर 0 वही एक्सिस होगा, y बराबर 0 टेंजेंट एंड वर्टेक्स होगा, y बराबर a ये लैटर रेक्टम का लाइन हो गया, y बराबर माइनस a ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन हो गया, ठीक है। फोकस x बराबर 0 y बराबर a यहां पर करना है, x 0 y a, यहां पर x 0 तो x की जगह पर क्या है ये वाला पार्ट, इसको 0 इसको a, सिमिलरली यहां पर भी इसको 0 उसको a, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारे टर्म्स को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यही चार तरह का पैराबोला होगा। अगर तुमको कह रहा है कि ऐसा पैराबोला बताओ जिसका डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x एक्सिस है, तो हम पैराबोला ये लिखेंगे y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अप खुलेगा, नेगेटिव होगा पैराबोला डाउन खुलेगा। x में अगर क्वाड्रेटिक है तो ये जनरल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म का, फिर से बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल इक्वेशन है। तुम ये इक्वेशन नहीं लिखोगे जनरल x स्क्वायर बराबर 4ay, तुमको ये इक्वेशन लिखना है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। कोई पैराबोला अगर तीन पॉइंट से पास कर रहा है तो तुमको a b c निकालना है, ये इक्वेशंस लिखेंगे कब, जब पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ हो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, तब हम y में क्वाड्रेटिक बताएंगे, y x बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह का इक्वेशंस तुमसे आता है, ठीक है। तो ये फॉर्म तुमको याद रखना है, और इसमें जो जितना भी टर्म्स तुमको कहेगा निकालने के लिए वो टर्म्स तुमको सही से निकालने के लिए आ जाना चाहिए, यही इसका बेसिक है, ठीक है। तो हम कुछ टर्म्स तुमको कुछ एग्जांपल्स करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लैटर रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारा टर्म्स हम किसी भी पैराबोला का निकाल सकते हैं, चाहे वो एक्स में क्वाड्रेटिक हो चाहे वो वाई में क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये सारे टर्म्स को तुमको याद रखना है, ठीक है, कौन सा पैराबोला है, कहाँ पर कैसे ड्रॉ होगा, ड्रॉ करने के लिए भी तुमको बता देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर सारे वीडियोज को तुम देख रहे हो, ठीक है। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, हमेशा इस जो टर्म्स है उसको याद रखना है। जैसे कि हम लोग कोई एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, सपोज करो कि एक पैराबोला का एग्जाम्पल्स ले लिए, सपोज करो ये दिया हुआ है 4y² दैट इज प्लस 12x माइनस 20y माइनस 20y प्लस 67 बराबर 0 प्लस 67 बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशंस हमने कंसीडर कर लिया, और तुमसे कहेगा कि फाइंड एवरीथिंग ऑफ दिस पैराबोला। एवरीथिंग का मतलब है कि जितना टर्म्स तुम लोग अभी डिस्कस किए हम लोग, सारे टर्म्स को तुमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम है इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देना। तुम पैराबोला देखो, y में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो y वाले सब टर्म्स को एक साथ ले लो, x वाले को एक साथ कर लो, तो ये आ जाएगा 4y² माइनस 20y दिस इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67। ऐसा कर दिए, इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए, y स्क्वायर माइनस 5y आ गया। अब तुम सोचो इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है, माइनस 12x माइनस 67, इसको और इसको एक साथ कर, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, यहाँ पर 5/2 का होल स्क्वायर ऐड करना होगा, इस 4 के साथ कितना ऐड हुआ 25/4 कैंसिल 25 भी ऐड किए, इधर क्या हो जाएगा माइनस 12x 67 प्लस 25, दोनों साइड में ऐड करके सबको बराबर कर लिए। अब तुम देखो ये 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इधर से तुमको आ जाएगा माइनस 12x माइनस ये कितना आ गया 2 और इधर से आ गया 4 42,
ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन आ गया। तो क्या करो, इस 4 को भी इधर डिवाइड कर दूं, y माइनस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस माइनस 12 को बाहर कर, ठीक है, माइनस 12 बाहर हो गया, तो x प्लस और ये आ जाएगा कितना 42 बाई 12, ठीक है। इस 4 को यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ पर इनफैक्ट 3 ही आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन को फाइनल डाल दिए, y माइनस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 एक्स प्लस, कैंसिल अगर हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 से कैंसिल 7 और ये 2, दैट इज 7 बाई 2, ये फाइनल इक्वेशन हमें आ गया। अब इसको ना हमको देखना है कि किस पैराबोला के साथ कंपेयर करना है, तुमको पैराबोला के साथ कंपेयर करना है इसके वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, इस पैराबोला के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है इसीलिए इस पैराबोला के साथ कंपेयर करना है। जो भी इक्वेशंस आएगा ना वो 4 ही इक्वेशंस में तुमको डिवाइड कर लेना है किस पैराबोला के साथ कंपेयर करना है, और इस पैराबोला के साथ अगर कंपेयर करना है तो इस पैराबोला का सारा फिगर तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कहाँ पर क्या था, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेटर, मान लो कि हमको इसका वर्टेक्स निकालना है, सबसे पहले वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगा इसका, तो क्या बोले थे, इसको और इसको जीरो करो, मतलब वाई माइनस 5 बाई 2, वाई माइनस 5 बाई 2 को जीरो करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 5 बाई 2 और एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 7 बाई 2 कॉमा 5 बाई 2, इस तरह से वर्टेक्स मिल गया, ठीक है ना। कंपेयर देखो, चाहो तो इसको वाई माइनस वाई 1 कर लो, ऐसे एक्स माइनस एक्स 1 भी कर सकते हो, सेम चीज है, एक्स 1 वाई 1 वर्टेक्स था, तो इसको इक्वेट किए जीरो से, एक्स का कोऑर्डिनेट्स आ गया, इसको इक्वेट किए जीरो से, वाई का कोऑर्डिनेट्स आ गया, वर्टेक्स हमें आ गया। उसके बाद एक्सिस, एक्सिस एक्सिस बोले थे जो स्क्वायर वाला टर्म्स है उसको इक्वेट कर दो जीरो से, मतलब वाई माइनस 5 बाई 2 बराबर जीरो, ये लाइन होगा, एक्सिस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोले थे इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स याद करो, जब वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ay था, मतलब इधर पैराबोला, ठीक है, इस तरह का पैराबोला था, y में पॉजिटिव है निगेटिव है ऐसे जाएगा, तो ये लाइन इसका डायरेक्ट्रिक्स था, इसमें इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x बराबर a, तो x क्या है, यहाँ पर ये टर्म्स था, ठीक है, तो इसको बोले थे कि x बराबर, x की जगह पर क्या है, x प्लस 7 बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, इसका जो कोफिशियंट है ना उसका 1/4, तो कोफिशियंट है माइनस 3 बाई 4, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। सो x प्लस 7 बाई 2 आ गया 3 बाई 4, तो x बराबर 3 बाई 4 माइनस 7 बाई 2, x बराबर और भी सिंप्लीफाई कर दो तो आ जाएगा कितना, 3 माइनस 14 बाई 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 2, मतलब x प्लस 11 बाई 2 बराबर 0, इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अगर तुमको क्या चाहिए, फोकस, फोकस क्या चाहिए, फोकस, इसका फोकस याद रखो, इसका फोकस क्या था मन में ही याद कर लेंगे, फोकस था वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4a, इसमें x माइनस ए था, वाई जीरो था, x माइनस ए था, x की जगह पर ये टर्म्स है, मतलब x प्लस 7 बाई 2, ये माइनस ए था, तो माइनस ए का मतलब है इसका 1/4, ठीक है, इसका 1/4 कितना है, इसका इसका 1/4, इसका 1/4, ठीक है, तो इसके जगह पर क्या है माइनस 3, इसका 1/4, तो 3 बाय 4, ठीक है, माइनस 3 बाय 4, सॉरी, ठीक है। फिर से देखो क्या बोले कि जो इस इक्वेशंस में जो वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax था, इसका जो फोकस है वो था माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है ना, तो माइनस ए कॉमा जीरो का मतलब था इसको इक्वेट करना है इसके निगेटिव, इसके 1/4 के साथ, दो बार माइनस ले लिए, ठीक है, सो इसके 1/4 के साथ इक्वेट कर देना है, इसके 1/4 के साथ इक्वेट कर देना है, तो इसका 1/4 ये है, तो x कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 4 माइनस 7 बाई 2, ये आ गया माइनस 3 माइनस 14 बाई 2, दैट इज माइनस 17 बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया फोकस का, y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0, मतलब इसको इक्वेट करना है 0 से, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बाई 2, तो 5 बाई 2 इसका, ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स आ गया, फोकस का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे माइनस 17 बाई 2 कॉमा 5 बाई 2, ठीक है ना, इस तरह से हम फोकस कैलकुलेट कर लिए। अगर हमके कहता कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसका एक्सट्रीमिटीज को याद करो, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, x का कोऑर्डिनेट्स a, y माइनस a, y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 2a, ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट a, तो इसका मतलब है x बराबर माइनस a, तो x बराबर माइनस a तो यही है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा प्लस माइनस 2a, मतलब y माइनस 5 बाई 2, सॉरी y माइनस 5 बाई 2 प्लस माइनस 2 इंटू a, 3 बाई 4, ठीक है, ऐसे हम
इक्वेट कर देंगे, y का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटर स्ट्रक्चर यही है, दैट इज माइनस थ्री नहीं, थ्री पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ है, ठीक है। ये निगेटिव साइन तो शो कर रहा है कि पैराबोला लेफ्ट में खुलेगा या राइट में खुलेगा, लेंथ ऑफ लेटर स्ट्रक्चर थ्री ही है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पहले यही सिक्वेंस हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज तो आना चाहिए कि कैसे हम पैराबोला के हर एक टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन तुमको बढ़िया से आना चाहिए, कोई भी पैराबोला होगा तो उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा इस चीज को, ठीक है। दूसरा चीज जो आता है ना कि अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर हमें दिया हुआ होगा तो उसमें देखो या तो तुमको तीन पॉइंट्स होगा, ठीक है, या हमको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया हुआ है तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। मतलब हमको अगर पैराबोला का इक्वेशंस निकालना है तो हम हमेशा याद रखेंगे कि किसी तरीके से उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकल जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं निकल रहा है तो हम दूसरे बारे में सोच सकते हैं, बट हम इनिशियली यही सोचेंगे फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, कोई भी पैराबोला का इक्वेशंस निकल। जैसे सर्किल में क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो हम क्या सोचते थे कि किसी तरह से हमको सेंटर और रेडियस निकल जाए। अगर हमसे पूछता था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो हम सोचते थे किसी तरह से एक पॉइंट्स या एक स्लोप, पॉइंट्स एंड स्लोप मिल जाए या दो पॉइंट्स मिल जाए, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा इक्वेशंस का फॉर्मेट था। पैराबोला में हम लोग सिर्फ देख रहे हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कैसे कैलकुलेट हो, ठीक है। तो अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो देखो कि इसमें भी इस तरह का इक्वेशंस आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला में अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमको नहीं दिया हुआ है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला होज, एक एग्जांपल सिस्टम से ले रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला होज फोकस इज 1, -1, फोकस दिया हुआ है 1, -1 एंड होज डायरेक्ट्रिक्स इज x + y - 7, x + y - 7, 0। ये तो बहुत ही आसान हो गया, P हमको निकालना है, h, k मान लेंगे, ये फोकस है, यहाँ से ये डिस्टेंस है, सो PS बराबर P है, ये सब बहुत ही आसान हो गया। इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस दिया जाएगा h + k - 7/√2 का होल स्क्वायर। बस इक्वेट कर दो, यही तुम्हारा पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो जब भी तुमको पैराबोला का इक्वेशन आ जाए, आगे भी हम लोग इस पर डिस्कशंस करते रहेंगे, क्वेश्चंस का डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस तुमको बताएंगे, ठीक है। तो अभी इस बेसिक टर्म्स को तुम देखो और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स का इंतजार करो। नेक्स्ट लेक्चर्स जो होगा वो इसी के ऊपर, इसी के आगे का टर्म्स होगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। फिर इसमें टेंजेंट, नॉर्मल, नॉर्मल के केसेस, बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए पैराबोला में, ठीक है। बहुत ही डिटेल्स में तुमको बताएंगे पैराबोला के बारे में, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन, सर्किल और पैराबोला ही तुमको ढंग से पढ़ना है, इलिप्स और हाइपरबोला तुमको आसान लगने लगेगा, ठीक है। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टेक केयर, बाय।